और फ्रेंड्स, अभी मैं राखर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, तो चलिए देखते हैं इस स्टेशन को कम्प्लीटली। तो दोस्तों, यहाँ से ये जो आउटर सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ शेड्स बने हुए हैं जहाँ पर पैसेंजर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब मैं घूमता हूँ तो यहाँ का जो फुट ओवर ब्रिज है वो नज़र आती है, कुछ पैसेंजर नज़र आ रहे हैं मुझे, और राखा माइंस प्लेटफॉर्म नज़र आ रही है मुझे। उससे पहले मैं फुट ओवर ब्रिज का जो है थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ी दूर से, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। और अब मैं दोस्तों राखा माइंस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, तो मैं ज़ूम करके आप लोगों को इस स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसका कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, और इसी दौरान दोस्तों यहाँ एक गुड्स ट्रेन भी आ चुकी है। और कुछ वेंडर्स भी यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो चाय नाश्ता इस प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। पैसेंजर अपनी ट्रेन का इंतज़ार यहाँ भी कर रहे हैं। और अब मैं दोस्तों फुट ओवर ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ से इस प्लेटफॉर्म का जो अपर व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और गुड्स ट्रेन पास हो रही है, और जो गुड्स ट्रेन है उसमें कुछ कोयला टाइप का सामान आपने देखा होगा उसमें लदी हुई थी। और यहाँ से ये एरियल व्यू जो है आप लोग राखा माइंस रेलवे स्टेशन का देख सकते हैं। स्टेशन पे आप देख पा रहे होंगे कुछ सफाई का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जब मैं मुड़ता हूँ तो देखता हूँ वो जो गुड्स ट्रेन जो यहाँ से पास हो रही थी अभी भी पास हो रही है, और फुट ओवर ब्रिज पे लोग आना जाना कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन जो है। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक पैसेंजर ट्रेन भी इस प्लेटफॉर्म पे आ गई है। तो आप कह सकते हैं यह बहुत ही बिजी स्टेशन है, यहाँ पर हर समय ट्रेन का जो है कनेक्टिविटी लगा रहता है, आवागमन लगा रहता है। और अब देखिए ये ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन अभी अभी आई थी, वह प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, यहाँ से वो निकलने वाली है। और दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन के जाने के थोड़ी ही देर बाद एक और गुड्स ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ गई है, बहुत ही धीमी गति से आ रही है। और यह ऑटो स्टैंड है, जब आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं और आपको कहीं जाना है तो आप यहां से ऑटो ले सकते हैं।